गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 87। इन एक्टिविटी 6.5 टू 6.8 वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो ऑल दीज रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। हमने देखा एक्टिविटी 6.5 से 6.8 तक जितने भी रिएक्शन हमने किए उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो न्यू सब्सटेंस के फॉर्म होने पर अगर बनता है तो वो हमारा क्या हो गया, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में फर्स्ट थिंग तो क्या हो गई, हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 में एक्टिविटी 5.4 में क्या किया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था। तो हमारा ये रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया था और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया गया था। तो ये हमारा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड ने बेस को और बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो इसमें भी हमारा न्यू सब्सटेंस बना था, हमारा न्यू सब्सटेंस बना था सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो अभी हमने देखा केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस तो बनता है, पर इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं। ये 6 चेंजेस हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चेंज है कि केमिकल चेंज में फर्स्ट चेंज क्या आता है, फर्स्ट चेंज आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, गैस का निकलना। फॉर एग्जांपल व्हेन जिंक ग्रैनुल्स आर एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। इफ अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब इट बर्न विद अ पॉप साउंड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक ग्रैनुल्स ऐड कर दिए तो जिंक सल्फेट बना एंड एक गैस इवॉल्व हुई। अब वो गैस कौन सी है, वो गैस हाइड्रोजन गैस है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस है, तो हमने टेस्ट ट्यूब के पास मैजिस्टिक लेके गए, तो मैजिस्टिक में पॉप साउंड से आवाज आई। तो जो हाइड्रोजन गैस है अगर उसको कंबशन किया जाता है तो पॉप साउंड के साथ वो इवॉल्व होती है, तो हमको पता चल गया कि ये हाइड्रोजन गैस है। व्हेन सॉलिड नाइट्रेट इज हीटेड ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। जब सोडियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस बनता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस कंबशन को हेल्प करती है। तो हम एक ग्लोइंग स्फिंक्टर, ये देखिए ये स्फिंक्टर है, हम ये ग्लोइंग स्फिंक्टर इसके पास लेके जाते हैं तो ये फ्लेम के साथ बर्स्ट हो जाता है। तो इस ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो कौन सी गैस निकली पहले, सल्फ्यूरिक एसिड ने जब जिंक ग्रैनुल के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोजन गैस निकली, सोडियम नाइट्रेट को जब हीट किया गया तो हमारी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। व्हेन सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हमने इसको पास थ्रो किया लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर को इसने क्या कर दिया, मेल्टिंग कर दिया, तो प्रूफ होता है कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। चेंज ऑफ कलर, केमिकल चेंज में कलर में भी रिएक्शंस के जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसमें चेंज आ जाता है कलर में। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉलिड लेड नाइट्रेट इज हीटेड रेडिश ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व, आल्सो येलो कलर लेड मोनोऑक्साइड इज फॉर्म। लेड नाइट्रेट, ये हमारा लेड नाइट्रेट को जैसे ही हमने हीट किया तो हमारी रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड येलो कलर का लेड ऑक्साइड बना और इसके साथ ऑक्सीजन गैस हुआ। तो हमारे देखिए लेड नाइट्रेट के कलर में चेंज आया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया और लेड ऑक्साइड येलो कलर की हो गई। ओके, तो हमारे कलर में चेंज आया। अब डू यू नो में लिखा हुआ है व्हेन यू लीव कट स्लाइस ऑफ एप्पल ब्रिंजल पोटैटो एक्सेट्रा दे एक्वायर अ ब्राउन कलर लेयर। जैसे ही पोटैटो ब्रिंजल या एप्पल को कट करके रख देते हैं तो हमको एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। इस ये क्यों आती है, बिकॉज ऑफ कलर में चेंज क्यों आता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस ऑन द रिएक्शन विद एटमोसफियर। जो हमारी वेजिटेबल होती है पोटैटो ब्रिंजल ये एटमोसफेरिक से रिएक्ट करके कलर में चेंज ले आती है। तो ये भी हमारा क्या हुआ है, केमिकल चेंज का एक रिएक्शंस का एक हमको चेंज दिख रहा है ना कि केमिकल चेंज में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या हुआ, हमारा न्यू सब्सटेंस बना।
सेकेंड गैस इवॉल्व हुई एंड द थर्ड इज हमारे चेंज ऑफ कलर आया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब होता नीचे जब कुछ टेस्ट ट्यूब में जम जाता है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट सल्फाइड इज फॉर्म। जब हम कॉपर सल्फेट को हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है और हमको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है किसका, कॉपर सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड किस ब्लैक प्रेसिपिटेट होके जम जाता है नीचे, तो हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ। मतलब नीचे कुछ चीज जम जम के दिखती है वो उनको क्या कह दिखती है, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, ये ब्लैक कलर का। ऐसे ही बहुत सारे रिएक्शन में अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट दिखेंगे। तो कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट कराता है तो कॉपर सल्फाइड का ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन सल्फेट सोल्यूशन आर मिक्स टूगेदर अ ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। देखिए हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस FeSO4 आयरन सल्फाइड को रिएक्ट कराया तो हमको क्या मिला, आयरन डाई सल्फाइड। डाई लगाते OH दो है तो फेरस आयरन या फेरस बोलती है तो आयरन हाइड्रोक्साइड, क्या हुआ आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट बना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट आया आयरन सल्फेट से तो आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट बना और हमको ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिला जो क्या है, आयरन हाइड्रोक्साइड है। वेन सोडियम क्लोराइड को जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो हमको सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट मिला और इसमें सोडियम क्लोराइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। तो हमारे तीन चीज़ें मिली फर्स्ट, अभी फर्स्ट क्या मिला, गैस इवॉल्व हुई, सेकेंड क्या हुआ कलर चेंज हुआ एंड थर्ड क्या हुआ हमें प्रेसिपिटेट मिला, कुछ नीचे जाके जम जाता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं।